दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 27वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए प्रीति जिंटा की टीम ने 8 विकेट पर 147 रन का स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट गिरने के बाद राजस्थान की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। आखिरी ओवर में शिमरोन हेटमायर ने 2 छक्के लगाकर टीम के मालकिन के हंसते मुस्कुराते चेहरे को उदास कर दिया। शनिवार 13 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग में टॉप फॉर्म में चल रही राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स थी। कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया। नियमित कप्तान शिखर धवन के नाम होने की वजह से सैम कुरियन इस मैच में कप्तानी कर रहे थे। ओपनिंग में कप्तान के नाम होने का असर दिखा और शुरुआत मन मुताबिक नहीं हुई। टीम के उभरते स्टार शशांक का बल्ला भी नहीं चला, लेकिन आशुतोष ने एक बार फिर से दम दिखाया और 147 रन के सम्मानजनक स्कोर तक टीम को पहुंचाया। अचानक पलट गया मैच। राजस्थान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। 16 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट पर 105 रन था। जीत के लिए 24 बॉल पर 43 रन की जरूरत थी। रियान पराग और ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां से अचानक मैच पलट गया। अर्शदीप सिंह ने रियान का विकेट हासिल किया। इसके बाद हर्षल पटेल ने ध्रुव को आउट कर दिया। सैम कुरियन ने 2 लगातार चौके लगाने वाले रोबमैन पॉवेल का विकेट झटका और फिर केशव महाराज को भी आउट कर दिया। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद राजस्थान की टीम की हालत बिगड़ी नजर आए। पंजाब किंग्स की मालकिन मैच के अचानक बदलने से बेहद खुश थी। वो विकेटों का जश्न मनाती नजर आए। आखिरी ओवर में राजस्थान को 10 रन की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह आखिरी ओवर कर रहे थे। पहली 2 बॉल उन्होंने डॉट डाली। मैच को पंजाब धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा था कि शिमरोन हेटमायर ने तीसरी बॉल पर छक्का जमा दिया। इसके बाद अगली बॉल पर 2 रन बने और 5वीं गेंद पर छक्का मारकर हेटमायर ने मैच खत्म कर दिया और राजस्थान रॉयल्स को एक रोमांचक जीत दिला दी। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी खबरें पाने के लिए आप ड्रीम 11 क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।